क्योंकि पहाड़ी लहसुन होती है ना, वो थोड़ी ऐसी पिंकिश सी दिखती है, इस पे टेल सी निकली रहती है ना। बचपन में ये डराते थे कि ये ना सांप की पूंछ है, सांप इसके अंदर है। इसमें तो साइड में ही लहसुन लग गई, साइड में एक अलग सा गोला बन रहा है, और जो ये पौधे के साथ है इसमें तो कुछ है ही नहीं। तीनों कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना, इनकी आंखें भी नहीं खुली है। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का इन खूबसूरत से पहाड़ों से। सुबह तक तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई थी, पर अभी ना आसमान में बादल आने शुरू हो गए क्योंकि मौसम चेंज होता जा रहा है, और कल परसों से तो फोरकास्ट में भी बारिश दिखा रहा है, तो कल परसों से हो सकता है बारिश हो जाए। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 12 बजे से, क्योंकि अभी ना मैं लंच बना के फ्री हुई। अभी पापा और एक नेपाली अंकल है वो आएंगे लंच करने के लिए, तो मैंने उनके लिए लंच बना दिया है। और मेरी तैयारी हो गई थी लहसुन की हार्वेस्टिंग करने की, पर अभी ना धूप कभी लग रही है कभी जा रही है, और जब लग रही है ना तो इतनी ज़्यादा तेज़ लग रही है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। देखते हैं, अगर धूप बादल में चली गई तो मैं लहसुन की हार्वेस्टिंग कर दूँगी, अगर धूप तेज़ हुई तो शाम के टाइम करूँगी। बाकी देखते हैं दिन भर क्या क्या रहता है, बनी रहिए मेरे साथ व्लॉग में। ये रही हमारी लहसुन जो हार्वेस्ट करनी है इधर, और उधर साइड को ना गाय ने सारी दबा दी है इस तरह से। यहाँ देखो सारी टूट गई है, गाय चली थी इधर इसके ऊपर तो ये ना टूट गई, इधर से भी काफ़ी सारी लगी थी इधर, और थोड़ी सी है उधर साइड को, तो थोड़ी सी इधर साइड को है। ये ना हमने उगा कर करी थी, खुद लगाई थी मतलब, और वो वाली ना ऐसे उगी थी खुद ब खुद ही। तो पहले मैं ये वाली हार्वेस्ट करूँगी, और ये मेरे ग्लव्स। मैंने ना इससे पहले कभी लहसुन हार्वेस्ट करी नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं कैसा होता है। मम्मी मुझे बोल रहे थे कि ना पौधे के थोड़े साइड साइड से करना, पौधे में मत लगाना ताकि लहसुन अच्छे से आ जाए, उसको कोई मतलब दाग वगैरह ना लगे। तो मैं देखती हूँ कैसा होता है मेरे से, अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं करूँगी, क्योंकि मम्मी अभी गए हैं गाँव, मम्मी को कुछ काम था तो मम्मी उधर गए, बाकी फिर जब मम्मी आएंगे तो तब कर लूँगी। खरपतवार देखो आप इसके बीच कितना सारा है, और लहसुन का पौधा ये रहा, खरपतवार देखो कितना सारा है। और मेरे पास ना कोई कैमरा मैन भी नहीं, आज पुन्नू गई है गांव, क्योंकि गांव में देवता जी ला रहे हैं तो पुन्नू आ गई है, तो मुझे खुद ही पकड़ना पड़ेगा। देखते कैसे पकड़ूंगी कैसे निकालूंगी। इसमें तो साइड में ही लहसुन लग गई, साइड में एक अलग सा गोला बन रहा है, और जो ये पौधे के साथ है इसमें तो कुछ है ही नहीं। यहाँ देखिए जी, मैंने निकाल दी है ये लहसुन, और ये ना कुछ ऐसी है थोड़ी पिंकिश पिंकिश जैसी, जो क्योंकि पहाड़ी लहसुन होती है ना, वो थोड़ी ऐसी पिंकिश सी दिखती है, तो ये भी ऐसी पिंकिश जैसी है। ये ना अभी मुझे प्याज जैसी लग रही है, पर ये ना प्याज नहीं है, ये लहसुन है, मतलब इसका कलर प्याज जैसा, और इसके अलग अलग से वो भी नहीं दिख रहे, क्या बोलते उनको, अलग अलग जो भी होता है वो, पर ये लहसुन है दोस्तों। बाद में दिखाऊंगी, वे इसमें दिख रहे कि ये लहसुन है, तो देखते हैं बाकी सारी निकाल के। मैंने इतनी लहसुन निकाल दी, और इतने में से ना इधर देखो ये वाली तो ठीक है मतलब हो रखी है, और ये वाली देखो आप, ये अभी नहीं हुई है, इसकी लहसुन बनी नहीं, अभी गांठ बन रही थी इसमें, तो मैं ना ये छोड़ दूंगी यहाँ पर, क्योंकि मम्मी से पूछना पड़ेगा, मम्मी तो बोल रहे थे कि कर देना, पर यहाँ पर ऐसी ऐसी हो रखी है, तो क्या पता 4-5 दिन 1 हफ्ता और छोड़नी पड़े, तो मैं परे वाली निकालूंगी वो वाली, क्योंकि वो वाली ना काफ़ी अच्छी हो गई होगी, क्योंकि वो पहले उगी थी, ये तो बाद में लगाई थी, तो देखते हैं ज़रा वो कैसी है। अभी ना मैं लहसुन खोद ही रही थी, तब तक मुझे चाची का फ़ोन आ गया कि चाची घास के लिए गया दूर वाले खेत, देखना गुगलू और ना शरारती करते घर पे, तो मैं इन्हें नीचे बुलाने आ गई। यहाँ देखो गुगलू तो आ गई,
कृतु और अक्षु ऊपर से आ रहे, गुगली हाय कर। कृतु और अक्षु भी आ गए। अक्षु क्या है हाथ में, क्या है बिंदी, क्या कर रहा बिंदी से दिखा जरा रहा। और गुगली बोल रही है ना कि आपके आने से पहले इन दोनों ने शरारत कर भी दी है जब तक मैं आई। आजा तो दिखा जरा क्या है, आजा अरे आजा जल्दी आजा, दिखा मुझको क्या है, दिखा तो क्या है, क्या है ये। मम्मी भी आ गए तो मम्मी को दिखाते हैं जरा क्या है इन लहसुन का। पीछे देखो जरा इसको, ये तो ठीक है, ये वाली ऐसी लगी। ऐसी परे भी दो चार निकली ऐसी, बाकी निकली ऐसी। और मम्मी अपने साथ लाए हैं लिंगड़ की सब्जी। तो मम्मी ने कर दी है मना ये निकालने को क्योंकि अभी ये ना लेट है। ये वाली तो हो गई है, तो ये वाली उठाकर ले जाते हैं परे जितनी हो गई है, बाकी हफ्ते दो हफ्ते बाद करेंगे, तब तक ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी वाली लहसुन ऐसी हो जाएगी। मैंने ना इतनी लहसुन निकाली और जिसमें से ये बन रखी है और ये नहीं बन रखी है, तो बाकी उसके बाद निकालेगी। ये मैंने यहाँ सुखाने को रख दिया और अक्षु यहाँ शरारती करने लग गया है। ये ना इसके पीछे छुप के मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, पर इनका प्लान मैंने फ्लॉप कर दिया। चलो चलो जल्दी चल चल अक्षु। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, यहाँ से नहीं दिखेगा, यहाँ यहाँ ये शर्ट जैसा दिख रहा है ना, दिख ही नहीं रहा, यहाँ यहाँ जाना है क्योंकि यहाँ से लाना है हमें पेट्रोल। देखो वहाँ पे एक चुल्लू है बस। हाँ चल इस पे तो चुल्लू ही नहीं लगती। मेरे घर पे ना पेट्रोल ख़त्म हो गया और जो हमारी घास काटने वाली मशीन है ना वो नेपाली के पास थी दो तीन दिन से, तो उन्होंने ना ये बोला कि ख़राब हो गई है चल ही नहीं रही, हमारे पास तो चल ही नहीं, तो वो अभी स्टार्ट नहीं हो रही, हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है। तो यहाँ पर एक अंकल रहते हैं उनसे लाएंगे हम पेट्रोल, फिर देखते हैं स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। यहाँ देखो ये लालची, यहाँ इसको ना ये ह्यूमन वाले भूमले दिख गए, पर यहाँ ना मैं इसको बोल रही थी मत खा गंदा है गंदा है, इधर क्योंकि नाला बहता है यहाँ से, तो मैं इसको बोल रही थी मत खा। अक्षु खाइयो नहीं बा गंदा है, पर ये नहीं नहीं हाथ में भी नहीं रखना है, छोड़ फेंक गंदा है गंदा है। चल 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 जल्दी हम चले जाएंगे फिर, ऊपर से इसने ना शूज भी उल्टे पहने, एक घंटे से बोरी मैं चेंज कर ले सुल्टा पहन सुल्टा पहन, पर नहीं ये सुनने को तैयार नहीं है, नहीं मुझे ऐसे पहनने बोला। यहाँ देखो यहाँ कितने सारे वो टियारा वाले फूल लगे हैं, तो मैं इनको बोली कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक टियारा बनाती हूँ सबके लिए, और यह ना काफ़ी अच्छे लगे हैं। जो टियारा मैंने आपको पहले दिखाया था ना उस पर फूल अच्छे नहीं थे, यहाँ तो फूल भी अच्छे लगे हुए हैं, गिरियो नहीं। और इधर सेब लगाने के लिए जगह जगह गड्ढे बनाए हुए हैं, और अक्षु ना जानबूझ के देख रहे हैं इन गड्ढों के पास से ही आएगा। गुगलिन तो खुद बना दिया अपने लिए टियारा, अक्षु को मैंने टियारा पहनाया था और इसने इसकी माला बना दी, इसके पास बड़ा ही है, छोटा बनाती दिल्ली छोटा। आया क्या हुआ कृतु को बनाते ये वाला टियारा। यहाँ देखो इस वाले पे अच्छे फ्लावर है, उस वाले पे ना अच्छे वाले अच्छे थे नहीं, मतलब कम कम थे, इस पे बहुत अच्छे से लगे। यहाँ देखो कितने सारे सारे लगे, इधर साइड को भी बहुत ही प्रीटी सा बन गया ये तो इसका, और ये बन गया सनफ्लावर। मैंने तीनों के लिए टियारा बना दिए, यहाँ देखो तीनों कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। अब इन तीनों के फोटोज लेते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पर, और अक्षु जबरदस्ती लाना पड़ रहा है, ना हाथ दे रहा है ना खुद आ रहा है। इनका काका कितना प्यारा है, हेलो हेलो बाय बाय ये नहीं बोलता गाइस। चलो यहाँ देखो हमें तेल मिल चुका है, यहाँ से ना पूरा चैंस दिखता है, इधर 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 तक, और सौरू लेके लेके एक यहाँ पर वो ना इधर साइड को है, तो इधर दिखता है हमारा गांव, यहाँ है मेरा घर और यहाँ है चैंशल। मेरे घर से ना इतने अच्छे से दिखता नहीं है, यहाँ से अच्छे से दिख रहा है।
अक्षु मुझे धक्का मार मार के ले जा रहा है कि अब तो चल पड़ो, अब तो चल पड़ो। घास ना कुछ इस तरह से तौलिये में डाली हुई है ताकि इसकी खाद इसको लगे, क्योंकि सड़ जाएगी ना फिर इसकी खाद बन के पौधे को पोषण देगी। यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये फोन में ना इतना ज्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है जितना रियलिटी में दिख रहा है। ये ना चुल्लू का पेड़ है और इसके बाहर से ये कांटे कांटे लग गए और कांटे पे ये व्हाइट कलर के फ्लावर लग गए जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसको कुजौन का फूल बोलते हैं। यहाँ देखो नीचे, अक्षु बोल रहा है कि वहां नीचे भी है। और ये देखो कितना प्रीटी लग रहा है, इतना ऊंचा सा ये। यहाँ पे लगे ये नजदीक से, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ देखो कितने प्रीटी है, इनसे ना खुशबू बहुत प्यारी आती है चारों तरफ ना, आजकल इनकी खुशबू फैली है। और गुगलू की अपनी बातें चल रही है कि चाइना वाले फ्रूट खाए हैं अपने, पता नहीं कौन से चाइना वाले फ्रूट। देखो दोस्तों जी, हम बोलते इसको सांप की बिलरी, और गुगलू को ना इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मेरे को तो इससे बहुत डर लगता है क्योंकि बचपन में ना हमें बहुत डराया गया इससे। छोड़ दो गुगली, ये देखो ये ना कुछ इस तरह की, और ये जो इस पे टेल सी निकली रहती है ना, बचपन में ये डराते थे कि ये ना सांप की पूंछ है, सांप इसके अंदर है, तो मुझे अभी बड़े होने तक डर लगता है इससे। ये ना कुछ इस तरह की दिखती है, परे वाली तो गुगली ने खराब कर दी थी। देखो ये कुछ इस तरह की, और ये ना बड़ी होकर काफी बड़ी हो जाती है। यहाँ को तो बहुत सारी होती है हमारे घर के आसपास, पर ये कुछ नहीं है, ये घास है, ओनली घास घास होता है ये, पर डर लगता है। कीतू को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता हूँ। ये रही हमारी मशीन जो कि स्टार्ट नहीं हो रही है, और ये सारा सामान ना ऊपर ले गए थे रास्ते का काम करने के लिए, तो ये भी लेकर आ गए आज पापा। स्टार्ट तो यहाँ से हो गई, अब पता नहीं ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, और ये घूमने के नाम पर बंद हो गया है। भाई अब तो स्टार्ट भी नहीं हो रही, एक और बार ये स्टार्ट हो गई है और ये घूम नहीं रही है। ये घूम ही नहीं रही है, क्या फायदा। और ये ठीक हो गई, इसकी ये वाली ब्लेड निकाल के अब इसमें ये वाली ब्लेड लगाएंगे। ये क्यों लगाते हैं और ये क्यों लगाते हैं? ये काटता है, मोटा मोटा बारीक बनाता है, ये निकालता है ऐसा। तो इससे लंबा घास ना छोटा छोटा हो जाता है, और इससे वैसा ही रहता है, बस कट जाता है। रितु का स्टाइल तो मेरे कंधे तक पहुंच दी रही है, और इसको हाथ कंधे पे रखना है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं भूमले लाने के लिए। गुगली डांस करी, बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं बता देती हूँ हम जा रहे हैं अभी भूमले लाने के लिए। हाँ हाँ चल चल, क्योंकि कृतु के घर के ऊपर ना जो ह्यूमन वाले भूमले होते हैं ना, वो काफी ज्यादा लगे होते हैं, वो ना कहीं कहीं पे लगते हैं। ये तो सांप वाला है, सांप के तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, तो हम वो लेने जा रहे हैं। और ये बोतल तो हम वहां से लाएंगे, और मुझे ना बचपन वाली याद आ गई, बचपन में हम ऐसे रहते थे, स्कूल से आते थे, और स्कूल से आती बारी जो हमारी वाटर बोतल होती थी, हम उसमें पूरे वो भूमले भर के घर ले आते थे खाने के लिए, इतने ज़्यादा खाते थे। उसके बाद तो जब से मैं गुम्मा स्कूल की, तब तो सब छूट ही गया, क्योंकि वहाँ वो सब मिलते नहीं थे भूमले। तो अभी मैं ये लेके इसलिए जा रही हूँ क्योंकि पापा बोल रहे कि मेरे लिए भी लेके आई हो। ये देखो गुगली डांस करते करते जा रही है, और ये बोली कि गाना गाओ, मुझे व्लॉग में शूट करो कि मैं डांस कर रही हूँ, इधर देख के नाचना फिर। और इनकी तो मूली में फूल आ गए। हमारी मूली तो अभी छोटी है, गुगली की मूली में तो फूल भी आ गए। यहाँ देखो मेरी, मैंने जो खुदी बीजी थी तूने, ये देखो ये गुगली की मेहनत है। ये क्या बीजी तूने? ये इसने यहाँ खीरा बीजा हुआ है, और यहाँ पे मिर्च, और ये गोभी, यहाँ गोभी, और ये बोल रहा है कि हाँ गोभी। चलो चलो अब चलो, यहाँ पे चाची और ने तो मक्की भी बीजी है, देखो इतनी बड़ी होगी। ये वाली जो मक्की है ना, पॉपकॉर्न वाली है कि तू, ये नहीं दूसरी है पॉपकॉर्न वाली पर। तो ये ना सिंपल वाली है, पॉपकॉर्न वाली किधर पर है पता नहीं, उधर पर है किधर, ये
गुगली को तो भी मिल भी गए, गुगली खुश हो गई है। देखो इधर साइज देखो इनका भाई, दिखा गुगली। यहाँ देखो इधर कितने बड़े बड़े से हैं, इसकी शेप देखो गाइज, हार्ट शेप में है ये, और इतना प्रीटी लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा सा। तो अभी ना हमने उधर परे वाली साइड से इतने इकट्ठे कर लिए, और बाकी हम जा रहे हैं उधर साइड को, क्योंकि चाची बोल रहे गुगलू को चिड़िया का घोंसला मिल गया, तो चलो वो देखते हैं कहाँ है चिड़िया का घोंसला, और परे को चलते हैं। चाची ने बोला कि उधर साइड को है, परे वाली साइड को खत्म हो गए थे, और ये ना सिर्फ जंगल जंगल वाली साइड पे उठते हैं। गुगलू ज्यादा ही बुला रही, चलो चलो, गुगलू चिल्ला चिल्ला के बुला रही थी। अरे ओ यहाँ देखो, और बच्चे देखो इसमें कितू छोटे छोटे से, अभी ना इनकी आंखें भी नहीं खुली है, मतलब ये अभी नहीं, नहीं गंदी बात, मर जाएंगे ये। चलो चलो, आजकल ना जगह जगह पे चिड़िया के घोंसले मिल जाते, क्योंकि आजकल ना चिड़िया अंडे देती है, तो हमारे घर की दीवार में भी जो चिड़िया थी ना उसके बच्चे बड़े हो गए और वो चली गई, तो अभी यहाँ पे घोंसला मिला है, और गुगलू को कल भी मिला था, जिसके बच्चे ना गुगलू अपने साथ ले आई थी, पर ये अच्छी बात नहीं है, अपने साथ नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वो मर जाते हैं ऐसे अपने बिना माँ के। अभी गुगलू ने भी बोली थी मैं छूँ, मैंने मना कर दी, क्योंकि अगर एक बार छू लेंगे ना फिर चिड़िया वापस नहीं आती, ऐसे बोलते हैं। अंडों के साथ ऐसा होता है, बच्चों के साथ मुझे नहीं पता बच्चों के साथ होता है या नहीं होता है। अब नहीं आएगी वो, देखो लग गया नहीं है। हाँ, और चिड़िया वहाँ बैठी है जिसके वो बच्चे, यहाँ देखो यहाँ पर बैठी है चिड़िया, ये हमें देख रही है कि ये मेरे बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं। गुगली ना कल जो चिड़िया के बच्चे लेके आई थी उसको मिल गए थे कहीं, और ये ना अपने साथ ही ले आई, पर उनकी डेथ होगी और इसने यहाँ दफनाए इस पत्थर के नीचे, वापस लगा दे, गंदी बात। हम पहुंच गए कृतु के घर पे, इस चादर के ऊपर से देख लो, और इसने पता क्या किया ना, वो बच्चे लाए और इसने यहाँ चादर पे सुखाने को रख दिए, मतलब इसने अपनी समझ से रखे कि धूप मिलेगी इनको अच्छे से, पर इतनी तेज धूप है ना बेचारे बच्चे, और इसने उनके लिए ये घोंसला भी बनाया था कि इसमें रखूंगी, इसके अंदर इसने सब कुछ रखा है, मतलब सोथर वगैरह सॉफ्ट उनके लिए, पर बेचारी बच्ची नहीं, गंदी बात, टूट जाएगा अंदर। गुगलू इतनी एक्साइटेड है, गुगलू की तू कि हमारा बच्चू है इसका छोटा सा ना, तो बोल रही कि मैं हमारा बच्चू भी दिखा दो व्लॉग में, देखो अरे 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 कितना प्यारा है, टुकती ओह माय गॉड, ये है गाय, ये है इसका बच्चू, और देखो कितना प्यारा है इसके बच्चे है ना, तो ये टुकती भी है भाई, नहीं नहीं यहाँ देखो कैसे कैसे पकड़ रहे ये बच्चे इनको, तो इनको डर भी नहीं लग रहा, मुझे ही डर लग रहा है, क्या करे, तुम जाने दो इनके बच्चे। अक्षु भी इन बच्चों को ऐसे पकड़ता है ना, इसको कोई डर नहीं लगता क्या। यहाँ भी छोटे छोटे से, ये गुगली मार दे अपनी, नहीं मत करो तंग, रुको ही देखो इसके चूजे तो इतने छोटू छोटू से है अभी, और कृतु ने जबरदस्ती इसको दलिया दे दिया अभी बाहर निकालने के लिए, ताकि इसके बच्चे बाहर आ जाए। देखो कैसे पकड़ रही है इसको, मेरे को तो बहुत डर लगता है, ये बच्चू की मुझे तो बच्चू ही अच्छा लगा, अरे बच्चू देखो कितना प्यारा है, अरे अरे। तो अब ये लेके चलते हैं पापा के लिए घर, और हमने तो ना वहीं पे खा लिए थे बहुत सारे, और अब ना रात भी होने वाली है, तो कर देते हैं इस व्लॉग की एंडिंग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं सोनू दीवांटा, मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।